ये मैंने आधा इंच जो मोड़ने के लिए छोड़ दिया है, मतलब कटिंग करके हटा देंगे, और 1 इंच है ये आस्तीन को अंदर मोड़ने के लिए है। ये 4 इंच का बाजू है ये देखिए, और ये लंबाई है 8 इंच का। अब इसको पप डाल आस्तीन बनाना है, तो यहाँ से हमने तिरछा ले लिया पहले, यहाँ से ये 2 इंच का, ये देखिए 2.5 इंच का निशान लगा के ये ऐसे खींच दिए हैं, ऐसे खींच गया है। फिर उसके बाद ये निशान लगाना है इसको लेते हुए यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है जहाँ पे हम चूनर दे सकें, और उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देना है। ये देखिए पूरा मिलाए हैं ठीक। अब इसके लिए चूनट के लिए यहाँ से गोलाई लेकर, जिसे यहाँ निशान लगाए हैं देखिए, ये यहाँ निशान लगाए हैं, ये ऐसे करके 1 इंच 1/2 इंच अंदर के लिए घुमाना है। ये देखिए ऐसे, ये हमारा पपदार आस्तीन इस तरह कटिंग होगा। इस तरह कटिंग कर लेंगे, किनारे का है इसको निकाल देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो है पूरा पोर्शन यहाँ पे चुनट पड़ेगा, चुनट को ऐसे ऐसे एक इधर झुकते हुए एक इधर, वो सिलते समय बता देंगे।